मातेश्वरी कैसेट प्रेजेंट्स। पता ना हमारे बालक कौन सी पढ़ाई पढ़ गाँव में, सारे गांव के बालक पढ़ के आ जाओ और सुबह 2 घंटा लेट आवे। आ जाएंगे, सकुल देर तो छुट्टा होगा, तुम खेत पे जाओ, देर हो जाएगी। लदाती दे ठाके और आते भेज दे खेत पे को। हाँ हाँ ना ठावा लावेगा। माँ राम राम। राम राम करण, यू कैसे टूट गई? नुई तो देर होगी और मेरा चोट भी लग गई। तू नू कर, ये 10 रुपए ले और जाके डॉक्टर से दवाई ले आ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। करण, मनीष ना आया अभी? मुझे क्या पता उसका, बिद के मत ना और जाके दवाई ले आ। ठीक है। हमें तो नहीं पता ना लगे मनीष पढ़े है कि ना पढ़े, पता ना कहाँ मर गया जाके, जो अब तक ना आया। प्रणाम माते, हम कहीं नहीं मरे हैं, हम तो यहाँ विराजमान हैं, परंतु हम जानना चाहते हैं आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? आज तो फिर मर गया,
खा गया सारी मलाई? एक तो मैं तेरा काम हल्का करता रहूं, और ना तो तुझे दही जमानी पड़े और ना बिलोनी पड़े। और क्या खाएंगे, 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल भी घी ना निकला। मैंने सबका ठेका लिया है, और तुझे पता है मुझे घी अच्छा ना लगता है। इब सीधा खेत पे चला जा, तेरे पिताजी खेत पे गए हैं, और जाके न्याय ठाला। माँ, तू मार लेकर और पीट लेकर, पर तू खेत का नाम लेके मत डराया करे। मैं डराना रही, जल्दी चला जा, नहीं तो तेरे पापा बहुत मारेंगे। मुझे पता था न्यू कह के मारेंगे। वैसे पिताजी की ये बात बढ़िया ना है, मेरे जैसे पढ़ने वाले नेक ईमानदार बालक पे वे हाथ उठावे। जा जल्दी चला जा, बाट देख रहे होंगे। जा रहा हूँ, उस गंजे को ना भेज सके थी, उसके चोट लग रही, क्यों ना गया वो। मेरे ते घना ऐबदार है वो, और वो ना सुधरे कदी भी। चल यार, इस पेड़ पे एक दो आम ही खाता चल। अच्छा तो तुम हो वे चोर जो रोज मारी आम भी तोड़ के खाओ। तड़े को आ जाओ, अभी बता दूंगा। तेरी आम ही तोड़ रहे, क्या कह रहा तू? सारी बता दूंगा, तड़े को आ जा पहले, तड़े को आ। थार आयु पेड़? हाँ, और के तेरे फूफा का है। ममता नीचे को आयो जरा, लगे आज तो कोई पेड़ का मालिक ही आ गया है। तुम पहली बार आई दिखो। चल इस मारे छोड़ रहा हूँ, जाओ टल जाओ, जल्दी जाओ। ना जाते, बता के करेगा? करता के पिताजी धोरे ले जाऊंगा। पूनम चलो इसके साथ चलते। चलो। बस टाल करो, तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं, मेरा एहसान मानियो। ना तू एहसान मत कर, चल लेकर चल, ना तो हम तेरे सारे आम तोड़ लेंगे। तुम सारे तोड़ लोगे? हाँ सारे तोड़ लेंगे। एक भी ना छोड़ दो? आधा भी ना छोड़ दें। ठीक है तोड़ो तुम, मैं ला रहा हूँ अभी पिताजी को बुला के। जल्दी आइए पिताजी को लेके, कदी इंतजार करवावे। अरे राजेंद्र, पिताजी ना आए? आए वो न्याय लेकर चले भी गए। अच्छा, पिताजी तो बस मुझे परेशान करें, न्यार लुआन आया था लेके चले गए, फिर नु कहेंगे काम ना करता है। चल कोई बात ना, पिताजी पूछे तो बता दिए मैं आया था। ठीक है भाई, कदी ना अट जावे। अरे इसमें घी भी गिर देकर कदी कदी। हाँ छोड़े है ना बड़ा वो घी, सारी मलाई तो खा जावे। एक आधी रोटी लाऊं के? पिताजी तुम्हें जरूरी था मैं वहाँ बुलाना, धूप में मरवा दिया और फिर वहाँ मिले भी ना। अच्छा रे, उल्टी मेरे से बकवास कर रहा है, कदी मैं तुझे कुछ कहने लगूं? काम रखा था जाके? गया था मैं वहाँ, तमी ना मिले। और या लाठी क्यों उठा ली? नाप पो तो इससे आज। नापने के बात है, मैं 6 फुट का हूँ। हंस ले तू, तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे हमें बता, क्या बता रहा? ले साइकिल चला। तू चला? मैं बड़ा भाई हूँ, तू चला। मैं छोटा भाई हूँ, तू चला। मैं थक रहा हूँ, तू चला। तू कैसे थक गया, कुछ काम करा था ना कभी? ओ देख थोड़ा कबूतर। मनीष मनीष रुक जा, मनीष मनीष और रुक जा, मनीष रुक जा, देख लो तुझे। बेटे कहाँ जाएगा, घर तो आ गई। जो चैन भी अभी मरनी थी, कुटारा दे रखी है।
रे के बात है, कैसे भाग रहा पीछे? मैं वो जल्दी बता कैसे भाग रहा। अजी हमारे गांव में कई लमड़े दिल्ली पुलिस में हो गए, मैं हर बार जो है ना रेस में रह जाऊं, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस दुनिया तड़की को भगे, तो दोपहर में 2 बजे भाग रहा। अजी मैं वो ऐसे भागेगा तो तू होलिया भरती। अजी मैं अरे रुक। अबे यार यो साइकिल तो कुछ जाने पिछाने सी लगा है। पर इसी तो चैन उतर रही। कदी मैं लेकर ना चला जाऊं, इसकी चैन उतार गया, बता दूं अब। चल अजी वो भागने की बात तो पूरी होगी, अब तो वर्जिश की बात है। एक दो तीन चार 91 92 93 अब तो कुछ भी कहता रहिए, मैं तो ले जाऊं ना बैठा के, जब तो वहां छोड़ के भाग गया था। राजू आज तो मैं बाढ़ बाढ़ बच गया भाई। ले फिर बच गया आज, हे भगवान इसे फसवा भी देगा करके दाख। अरे सुन तो, बहुत तकड़ी बात है। तेरी राम कथा कोई बावड़ी सुन सके? अरे जा तू। राजू तो सुन मेरी बात। क्या सुनू भाई, मैं बावड़ा दिख रहा तुझे? अरे सुन तो सही, वो मिली थी अपने बाप की गैल, आज तो पिटने से बच गया। कौन उसका बाप? अरे वो तो यमराज बन के मेरी जान काटने को तैयार था, पर उसे क्या पता था अब जान तो रहा उसकी छोरी काट लेगी मेरी। क्या तेरी जान काट के लेगी? हाँ अरे सारा मामला हिल गया। वो कैसे? अरे तो ले सुन, जो तन्ने उसको तू भी पागल हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखों में उसकी सारा जमाना खो जाएगा। देख लिया जो तन्ने उसको तू भी पागल हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखों में उसकी सारा जमाना खो जाएगा। एक झलक दिखला के अपनी मेरा कर बुरा हाल गई, काट तले जा छोड़ तड़पता वो हिरणी की चल गई। अरे रे 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 रे, एक झलक जो देख लिया, एक झलक जो देख लिया, यार मेरे तूनो कहेगा। एक झलक जो देख लिया, यार मेरे तूनो कहेगा। कदियाँ ढूंढूं कदी वहाँ ढूंढूं, भटकता मैं रह गया। होए तड़पता मैं रह गया, तड़पता मैं रह गया। बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा। Thank you.
उसकी झलक मिले मेरे सुनने मन में फूल गिले टेडी टेडी जवा देखे मेरे दिल ने घाल गरे जब भी उसकी झलक मिले मेरे सुनने मन में फूल गिले टेडी टेडी जवा देखे मेरे दिल ने घाल गरे उसके जैसा रूप न कोई खिलता हुआ गुलाब लगे सच मनो तो यारो मन में वादेशी शराब लगे अरे रे 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 पहली बार जब देखी वा पहली बार जब देखी वा देखता ही मैं रह गया पहली बार जब देखी वा देखता ही मैं रह गया कभी यहाँ ढूंढू कभी वहाँ ढूंढू तड़पता मैं रह गया होए भटकता मैं रह गया भटकता मैं रह गया बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा बल्ले बल्ले शावा शावा अरे रे 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 बा काट के लेगी दिल सारा मामला गया मेरा हिल बा काट के लेगी दिल सारा मामला गया मेरा हिल देखता मैं रह गया तड़पता मैं रह गया अटकता मैं रह गया तड़पता मैं रह गया अटकता मैं रह गया तड़पता मैं रह गया पूनम वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया मैं जिस रास्ते जाऊं वो उस रास्ते पहले आगे खड़ा मिले है कौन पड़ गया तेरे पीछे वही आम वाला क्या आज फिर मिल गया था हाँ जब मैं पिताजी के साथ गाड़ी पे आ रही थी तो वो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था पिताजी ने उसकी डांट लगा दी और वो वहाँ से उल्टा भाग गया जब तक तेरे चेहरे पे इतनी चमक क्यों है कुछ भी है पूनम पर लड़का है बहुत अच्छा मुझे तो लगा तेरा दिल ले गया दिखे मैं ऐसे दिल विल के चक्कर में ना पड़ती पर पता ना क्यों उसकी याद सी आवे ए ममता थोड़ी सी चाय तो बना ले अभी बना रही पिताजी पूनम तू बैठ मैं चाय बना के आ रही हूँ ना सारा काम ऐसे ही पड़ा घर पे तू चाय बना मैं फिर आऊंगी ठीक है पर तू आइए जरूर तुम जाना रे घर लेने नेक्स्ट ही भी ना है पिताजी कुछ खाने के लिए भी लेते आई हो हाँ कल खाने को तो ला रहा हूँ और के पीने को ला रहा हूँ खड़कू मैं खाऊंगा के ढोरी तो खा मैं उसे ढोरू मैं तू चुप कर और हाँ तुम जल्दी आ जाइयो पिताजी 200 रुपए दे दो पेट पे झाड़ लगाई से हिलना तो करता नहीं दे दो कुछ लाना है अरे हैंड देना जाने देने चल हट एक बार कह देना है जा अपना काम कर याद रखियो बात को कभी भूल जाओ बुढ़ापे में हम ही काम आओगे तेरी बकवास सुनने का टाइम ना माधर है ठीक है तो जद पैसे ला काट के अरे कालू है के ढंग है के कर रहा है और सुना आज कैसा ना होया मेरे चल रहे हैं पेपर मुझे तो टाइम सही ना मिलता पिताजी ने भेजा 400 रुपए की जरूरत है कल मिल जाएंगे अरे यार पैसे तो ले जा और मुझे 500 रुपए मेहताब का देने परसों तो खेत जुतवा था तू टेंशन मत ले वे तुझे तो टाइम से पहले मिल जाएंगे तू दे तो सही ठीक है जल्दी से दीजिए ये ले मिल ले पूरे 400 हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ला 50 रुपए दे दे 50 रुपए 50 रुपए किस बात के 50 रुपए लेने अपनी माँ पे तले अपने बाप पे तले तू भी तो बड़ा भाई है तू नहीं दे सकता मैं कहाँ ते दे दूँ मेरी कौन सा मील चल रही है या खड्डी चल रही है मील खड्डी चल रही है तो उनमें से दे दे जो वे 400 रुपए तू कालू पे तलाया
मतलब मेहनत हम करें और पैसे तुझे दे दूं? दे दे यार, हमारा भी तो कुछ हक बनता होगा। ले चल 20 रुपए। और सुन, पिताजी को पता ना लग जा। मुझे बावली पूछ समझ रहा, मैं क्यों बताऊंगा, वो अपना आप बता देगा जिसमें से पैसे लाया है। ला तो फिर ये 20 रुपए उल्टे दे। तो वो तो बताओगा ही, पर कुछ ऐसी बात होगी तो हम भी तो संभालेंगे। ख्याल रखिए। राम राम कालू, आजा। ठीक ठाक है चाचा? मैं तो ठीक हूँ, पर थारी आवाज छिना लगी। पैसे तो मंगवा लिए और भिजवाने का नाम ना लेते। अरे भाई, मैंने तेरी कौन सी रोकड़ ना दी? लिए होंगे तुमने, और क्या वैसे ही मांग रहा। ये ना परसों मनीष। और अब मैंने तेरे से कौन से पैसे मंगवाए थे भाई? पता ना पिताजी, मेरे तो करण ने कही थी। अब पिताजी ने पैसे मंगाए, मैंने तो ला के उसे दे दिए थे। तुमने, तुम दोनों ने घर बर्बाद कर दिया। अरे कालू, कहाँ गया यू? पता ना, तो यही रोटी खा रहा था। क्यों गुस्सा कर रहे हो? लाया होगा अपने काम की कोई चीज। तो बकवास क्यों कर रही है? दे दे इसके पैसे। ले अपने 400 रुपए। माँ रोटी दे दी जल्दी, भूख लग रही है। रोटी का थाल तो बाद में सजेगा, पहले तेरा आटा तो तार दूं। न्यू बता, इस कालू से पैसे लाया? क्या कहा था ना उनका? पिताजी मैंने लाया, मनीष लाया। अरे वो तुझे बता रहा, तू उसे बता रहा, खाले पता चलता। अरे रहने दो ना, तैने बिगाड़ रखे ये। अरे ओला साहब खड़ा हो। तू मरे, मैं समझ रहा था आगे दिखे। अरे लाठी क्यों ले रहा? सिर फोड़ूंगा तेरा। पिताजी से कही थे ना, अकबर 400 रुपए मना मंगाए हैं। क्यों, पिताजी कह रहे कुछ? लठ तो लगवा दिए, और ऊपर तेनु कह रहा कुछ कह तो ना रहे पिताजी। तो लठ लग गए तो क्या हो गया? 10 रुपए का एक मान लिए। 10 का 1 है तो 480 और दे, 85 लठ लगे हैं। तू भाई ना मेरा, इतना भी नहीं कर सकता मेरी निया। मैं तो 20 रुपए लेकर भी पीटूंगा, और तू 400 रुपए लेकर भी मजे लेगा। ला 200 रुपए और दे, अपना काम कर। अच्छा, मनीष ऐसे ना करा कर, ये तेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है यू? बड़ा चालू है यू। मैं कहीं तो अपना काम काट दूं, फिर भी 50 रुपए ले गया मेरे पे। 50 रुपए दिए तेने, 20 भी बड़ी मुश्किल से दिए हैं। बेटा ऐसे किसी से पैसे ना लाया करते। तो पिताजी पे तो दुआ दे कर। अच्छा ठीक है, इब दिला दूंगी। चलो अंदर चलो, दोनों खड़ा हो। जल्दी जल्दी चल आगे को, अभी घर जाके और भी काम करना है। बस काम ही नजर आ तुझे तो। कितने दिन हो गए, मैं कहीं घूमने भी ना गई। मौसी आई हुई है, मैं तो उनके साथ ही निकल जाऊंगी। तो हो यही हो, कौन मना कर रहा है? यूरा मौसी का घर गांव के पीछे, वहां पड़े पड़े तुझे शर्म ना आएगी। पर अब आगे को तो चल, चल चली जाइयो आगे को तो चल। तू कैसे हमारे पीछे पीछे आ रहा, क्या परेशानी है? मुझे तो कुछ परेशानी ना, और ना मैं थारे पीछे आ रहा। मैं तो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेस में भाग लेना है मुझे। धीरे धीरे क्यों चला रहा, तेज लेके जा। जा रहा हूँ मैं तो। रेस बता के तो फंस गया यार, चल कोई बात नहीं।
अरे ओए ओए ये कर रहा है? कदी तू धीरे वाली रेस भी हार जावे, पैदल चल, पैदल वाली रेस जीत जाओगा। चलूंगा चल, कैसे खड़ी है? इसे पता ना मैं खुराक दे दूं, पर वही बात है, अक्सारी खुदाई एक तरफ और वो अरे चाय प्याज आधा कप। अभी तो चाय पी थी, और कितनी चाय पियोगे? कुछ काम धाम है कि ना है? अरे कहाँ रह जाया करे तू, जाओ 10 मिनट के लिए और आवे एक घंटा पीछे। पिताजी तमने मुझे हवाई जहाज दे रखा ना खरीद के, या चले इतनी तेज है? अकाना था घर और पहुंच गया पाकिस्तान, अब मैं तो पैदल आ रहा हूँ, न्यू लग गया टाइम। सुन रही ऐसी बकवाद? अरे कभी ढंग में बता दे कर। जब बात ही ढंग की ना तो जवाब ढंग का कहां से मिलेगा? ठीक है तो कह रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया, और तुम हो जाओ शुरू कथा सुनाने। सुन रहा अपनी माँ की कथा बता रही, और तू कहां सुनेगा? तू भी इसका ही भाई है, दोनों एक जैसे हो रहे हो। पिताजी तुम चाहे कुछ भी कहो, पर थारा नाम एक दिन मैं ही रोशन करूंगा, यूं ना करने का। नाम रोशन? वो तो तेरे ढंग दिख रहे जैसे तू नाम रोशन करेगा हमारा। तू हर बात में मेरा नाम क्यों लिए करे? तना तक नहीं बताइए तेरे पेपर कैसे गए हैं? इसमें बताना ही क्या है, जब तक पढ़ना शुरू करा आज लोग खराब गए हैं कभी मेरे पेपर, जो तू पूछ रहा है। हाँ पेपर तो तेरे सारे सही जावे, पर तो पढ़ना सुधर रिजल्ट कैसे खराब आवे। अच्छा चुप हो जा, रोटी लाऊं तेरे लिए। मनीष तेरा कैसा हो रहा? मुझे लगा चाचा ने खुराक दे दी दिखा आज। अरे वह बात ना यार, बस पता ना क्यों हो गया, क्यों मन सा ना लग रहा। तू गया था घर, कुछ काम था? नहीं मतलब वैसे ही चला गया था। पर तू कैसा हो रहा? चौका हंसता फिर हो जाता, कैसे चेहरा उतर रहा? यार मैं उस लड़की के चक्कर में गया था। तो तेरी उदासी का कारण वो लड़की है? हाँ यार, मुझे तो बेर बेर उसी की याद आवे। अरे मुझे तो उसका न्यू भी ना पता, नाम के है, गांव के है। ला दिखा दिखा दिखा। अरे तुझे तो बोल रहा लगा भाई, घर के चारों कोनों में वही वही दिखाई दे। हाँ भूख भी ना लगती ना। अच्छा सुबह में भी दिखाई देती होगी? हाँ हाँ दिखाई दे। तो भाई तुझे तो वही बीमारी लगी। बीमारी? कौन सी बीमारी? बीमारी जिसे दुनिया प्यार कहे। के प्यार? यार लगे तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अबे ओ ज्यादा मजनू ना बने, नू करा दो दिन की मुलाकात में प्यार होगा। अबे ये तो देख लेता वो लड़की कैसी है, कौन से गांव की है। अरे मुझे ना जानना कुछ भी, मुझे तो बस इतना पता वो बहुत सोनी है। याहो राजू, मनीष आया था? अरे हाँ आया तो था। कहाँ गया फिर बताऊ? बता। सुन रहे हो?
कहां ते मिल गई छोरी बिया बान इस जंगल में, जाने कहां ते मिल गई छोरी बिया बान इस जंगल में, जिसकी खातर फिरन लग्यायो भाई मेरा इस जंगल में, जाने कहां ते मिल गई छोरी बिया बान इस जंगल में, जिसकी खातर फिरन लग्यायो भाई मेरा इस जंगल में। उसके पैर पड़ेंगे, हाथ पकड़ ले आ कोई तो उसकी गैल लड़ेंगे, जहाँ भी मिल जा भाभी कह के उसके पैर पड़ेंगे, हाथ पकड़ ले आ कोई तो उसकी गैल लड़ेंगे। दिन में ढूंढे रात में ढूंढे ढूंढे सारे जंगल में, दिन में ढूंढे रात में ढूंढे जंगल में, जिसकी खातर फिरन लगायो भाई मेरा इस जंगल में, जाने कहां ते मिल गई छोरी पिया बान इस जंगल में, जिसकी खातर फिरन लगायो भाई मेरा इस जंगल में। जंगल में
अरे करण, जो मैं देख रहा हूँ तुझे भी दिख रहा है, मुझे कम दिखने लगा मुझे। पिताजी ठीक देख रहे तुम? आज क्या होगा ऐसे? और तब बिना कहे काम पे लग रहा। पिताजी दो ही बात हो सके, या तो सारा नाम रोशन होना शुरू हो गया, या फिर नई खुरापात करके आयो। अरे मगा सामने तब अपना कर लेंगे, तू बैठ जा आराम से। पिताजी आ तो झाड़ू भी लगा दी दिखे। अरे मगा रोटी तो खा जाता, छोड़ के चला आया, तबियत तो ठीक है तेरी? भूख ना लगी है अभी। अरे करण तू एक काम कर, इसकी रोटी ही ला के दे दे और मैं जा रहा हूँ प्रधान के घर। ठीक है पिताजी। ममता, ए ममता, कहाँ ध्यान है तेरा? कुछ ना, बस ऐसी, पता ना मैं के सोचने लगी। ऐसी कौन सी गहरी सोच में है? लगे फिर मिल गया, देखा है वो आम वाला? यही तो सोच रही, वो अब क्यों ना मिलता? ममता तू तो गई काम से, अब तो तेरा कोई इलाज ना हो सके। ना पूनम ये बात ना है, पर पता ना क्यों बेर बेर उसी की याद आवे। ये उम्र ही ऐसी है, अब के तुझे मेरी याद आओगी। फिर क्या आवेगी? मैं या उसकी याद? मैं तेरी बात कर रही। कभी तू भी आ जाएगा, तेरे पैरों में मेहंदी तो ना लग रही। करण जाके देख के तो आ, मनीष सड़के थे भूखा पैसे पता ना कहाँ घूम रहा है। कहाँ देख का उमा, राजू के यहाँ भी देख आया था, सारे में देखा है कहीं भी नहीं मिला। और तेरे पिताजी कहाँ है? यूँ कह दे जगदीश प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ। लाला कहाँ चला गया था? सारे में ढूंढिया है, भूख ना लगी तड़के ते निकला हुआ है। खा लुआ मैं, अभी जी ना कर रहा। मैं तेरी रोटी ले गया घेर में, पता ना कहाँ चला गया तू। मनीष कैसे हो रहा, पैसे वैसे चाहिए खर्चे को तो ले ले। ना पैसे ना चाहिए। माँ तू अपना काम कर, खा लेगा वो अभी। मनीष के बात है, तो पेपर भी खत्म हो गए? अरे बात ना कुछ भी। देख मनीष, या तो कोई परेशान नहीं है जो तू बता रहा नहीं चाह रहा, अपनी मेरी कोई बात बुरी लगी? तू भाई है मेरा, तेरी बात बुरी लगेगी? तो बता बात क्या है, तेरा ही भाई हूं मैं भी, बचपन से तना आज तक कोई बात ना छुपाई, फिर आज क्यों? अच्छा अब तू काम कर ले, मैं कल बता दूंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर तू खाना खा लियो। ठीक है मैं खा लूंगा। ठीक है। होगा टाइम चाय लाने का? इब ले तो आई, लग गया टाइम, लो चाय पी लो। अरुण में सुनाया कोई सा? करण तो नहारा और मनी से भी सोके ही ना उठा। है सोके ना उठा? पता ना क्या होगा उसे, हंसता खेलता फिर जाता, खेलता कूदता अच्छा लगे था। हाँ तब मैं चोखा लगे था, जब हंसता खेलता फिर रहा था तो वाकी जान खाते रहे थे। अरे मैं दुश्मन ना हूँ उसका, बाप हूँ। मेरा जी भी जब ही लग गया जब सब उल्टी सुध दिखाऊ था, और फिर वो मुझसे बहस कर रहा था। तुम क्यों ना पूछते उससे के बात है, मुझसे ये देखा ना जाता। अरे तू जी छोटा मत करे, मैं करण से पूछूंगा, उसे पता होगी के बात है। मैंने करण से भी पूछी, उसे भी ना मालूम। तो राजू को पता होगी, मैं पूछ के आऊ उससे। चाय तो पीते जाओ, चाय क्यों रख दी? जब औलाद खावे पीवे ना तो अच्छा लगे, माँ बाप का पेट तो वैसे भर जा, वो तो कुछ खाने रहा, मैं खाता अच्छा लगूंगा। राजू, ओ राजू, अरे सो रहा के? चाचा राम राम, आ जाओ, सोना रहा है वैसे ही लेट रहा। राम राम, ठीक तो है तू? हाँ मैं ठीक हूँ चाचा, तुम ठीक हो? अरे मैं तो न्यू आया था,
मनीष तो कुछ बता तना के बात है, तुझे तो पता होगी। मुझे पता होगी इस बात की? कई दिन हो गए ना तो कुछ खावे पीवे ना हंसा बोल रहे, घना ही परेशान था, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, दो दिन से तो मेरी उससे बात भी ना हुई। बेटा तू हमें पता करके बता बात क्या है, हमारा तो जी घना परेशान है। चाचा तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, अपने रिजल्ट की वजह से परेशान हूँ। रिजल्ट की बात तो यू है, जैसा हर साल आवे उससे घना खराब करने से रहे। अरे फेरी तो हो सके फोन दे, हंसता खेलता रहा बाढ़ अच्छा लगे, हमारा भी लगा रहे। ठीक है चाचा, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। ठीक है जा, ना तुझे पता ना हमें पता, भैया तो राम ही जाने। इतना बैरी कर पार या नैया मेरी, मत बड़े तो इतना बैरी कर पार या नैया मेरी। मैं ढूंढू जिसको दर दर, मैं ढूंढू जिसको दर दर, वो मेरा यार मिला दे मने एक बार मिला दे, वो मेरा यार मिला दे मने एक बार मिला। झलक के मारे नैन कबूतर थक गए, आंखों की क्यारी में नीर दुखों के भर गए। एक झलक के मारे नैन कबूतर थक गए, आंखों की क्यारी में नीर दुखों के भर गए। ये कैसा जब जहर, ये कैसा जब जहर, बिन पिए ही हम तो मर गए। बूंद मिलन की बरस जा, कुछ तो खा ले तरस सा। बूंद मिलन की बरस जा, कुछ तो खा ले तरस सा। जिसे ढूंढना चाहवे दिल, जिसे ढूंढना चाहवे दिल, वो मेरा यार दिखा दे मने एक बार मिला दे, वो मेरा यार दिखा दे मने एक बार मिला। मत बने तू इतना बैरी कर पार या नैया मेरी, मत बने तू इतना बैरी कर पार या नैया मेरी। मैं ढूंढू जिसको दर दर, मैं ढूंढू जिसको दर दर, वो मेरा यार मिला दे
मने एक बार दिखा दे वो मेरा यार मिला दे, मने एक बार दिखा दे वो मेरा यार मिला दे, मने एक बार दिखा दे वो मेरा यार मिला दे, मने एक बार दिखा दे वो मेरा यार मिला दे, मने एक बार दिखा दे। ममता, ए ममता, आज के आँख खोल के सो रही? तू कद आई? जब तुझे होश आया। आ बैठ, आज तो कई दिन में आई तू। मैं तो एक फेर के लिए आ भी जाऊँ तो आती भी ना, पता ना कहाँ खोई रहती हो शाम वाले के चक्कर में। पूनम, अब तो पेपर भी निपट गए और स्कूल जाना भी बंद हो गया, और नहीं तो रास्ते में तो मिली जावे था वो। तो के हुआ, एक डेढ़ महीने में फिर खुल जाएंगे स्कूल। तो तू महीने की बात कर रही, मारे लिए तो एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा, बहुत याद आवे है उसकी। पर ममता, अब तू ही बता, अब मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे? चल वही चल रहे खेतों पे, शायद उसके खेत वहीं आसपास होंगे, वो वहीं मिल जा। ममता तू पागल होगी, के गारंटी वो वहाँ बैठा होगा? और फिर तू ही तो पागल है उसके लिए, क्या पता वो तुझे याद करे या ना करे। पूनम, वो मुझे याद करे या ना करे, पर मुझे तो वो बहुत अच्छा लगे। चलो ना मेरे लिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ऐसे दिल कच्चा नहीं करते, ये चेहरे दिलों के भेद खोल देते हैं। चल, इस हाल में तेरा साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा, चल चलते हैं। मनीष, यार तू यहाँ बैठा, मैं तुझे सारे गांव में ढूंढा। कैसे परेशान सा हो रहा, क्या बात है? तुझे पता ना क्यों परेशान? अच्छा, तो तू उसकी वजह से परेशान है और वो सब तेरी वजह से परेशान है। चाचा भी आए थे? पिताजी आए थे। क्या कह रहे थे? यार कहते क्या, नू कह रहे मनीष ना खावे ना पीवे, ना हंसे ना बोले, ऐसी पड़ा रहे। मैं के करूं राजू, तू ही बता, हर टाइम आंखों में बस वाई वाई रह वे, और कुछ नजर ही नहीं आता। यार तू खा पी सबके साथ हंस बोल कर, चिंता किस बात की कर, और फिर राजू तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता। यार मैं तलाश करूंगा उसे, चल अब घर चल। राजू, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। कहीं ना, बस यहीं था। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं। थोड़ी देर में खा लूंगा मैं। अरे खा ले अभी, आ तो सब्जी भी तेरी पसंद की बनी है। हाँ खा जो ले, जो बच जाएगी मैं खा लूंगा। अरे तेरी तो नियत भरे ना, तेरा पेट भरे। मनीष रोटी ना खाता हो तो दूध ले आऊं। अरे मनीष ले ला ले, 100 रुपए दर। 3-4 दिन हो गए तू कहीं गया भी ना, तड़का कहीं घूम आई है ना। पिताजी तुम रख लो। रख लेना जब इतने प्यार से दे रहे हैं तो। अरे ले पकड़, कुछ खा पी लीजिए। तुम रख लो, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। रख ले मनीष, चबा मेरे से दे दिए, ऐसा मौका क्यों खो रहा है? अरे कदे एक आध बात तुम्हारी खुशी के लिए भी मान लिया कर, और बीमार की तरह मत रहा कर, खा पी और मस्त रह। तुझे काहे की फिक्र है, अभी तो हम बैठे हैं, खाता पीता बालक अच्छा लग रहा है। तू काहे की चिंता कर रहा, बैठे हैं अभी हम। करण, ओ करण, लाला यहाँ ही है? हाँ पिताजी। एक काम कर, हम तो दिन से हिसाब कर ला, पर्चा ले जाइए। कहाँ रखा पर्चा? पर्चा तेरी माँ को दिया था, टैम भी आज के देख गया। टैम कीमत बताओ? पिछले 6 महीने से 36 बार दे चुका, पर पैसे आज लो भी नहीं दिए। जा रहा हूँ। चाचा राम राम। राम राम, आजा। मनीष को देखना आया था। अरे वो घर दिखे। अरे राजू एक बात सुन। हाँ चाचा। अरे कुछ बताई मनीष ने, क्यों रहे हुए ऐसा? चाचा तुमने तो बिना मतलब के अपना दिमाग खराब कर रखा, वो अपने रिजल्ट की वजह से परेशान।
अरे आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसे? अच्छा अच्छा फिक्र की बात ना, तुम्हें पता ना आपके मेहनत कितनी करी। हाँ कहवे तो तू ठीक है, अब का तो वो नूर कह रहा छह बार तो लुढ़क लिए, और जो आपके लुढ़क गए तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी। अरे तू कह दिए उससे इसे फिक्र की क्या बात है, जहाँ छह बार हो लिया वहाँ एक बार और सही, उसके फेल होने से हमारे खेत बंजर हो जाएंगे। अरे मैं तो नूर कह रहा था पेपर को कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल फिर आ जाएंगे। पेपर तो थार लिया कुंभ का मेला ही है, तब एकदम लुढ़क जाओ फिर देखे मास्टर तब स्कूल में घुसड़ देंगे और तब घर तक छोड़ के जाऊंगे। माँ क्या होया, पिताजी कैसे हो रहे हैं? बेटा बुखार हो रहा है और यूं कह रहे खेत पे जा रहा हूँ पानी लगाना। तुम रहन दो मैं चला जाऊंगा, तुम आराम कर लो। ना तू रहन दे, तबीयत तेरी भी ठीक से नहीं लग रही, पानी तो चलाना मैं चला लूंगा। जा रहा हूँ मैं, तुम यहीं रहो। कहाँ जा रहा है मनीष? मैं खेत में जा रहा हूँ पानी चलाना। चल मैं भी चल रहा हूँ, दोनों जल्दी आ जाएंगे। ना ना तू यहीं रह, पिताजी को दवाई दुआ लाइए और देखभाल कर इनकी। आज तो सारा काम खत्म हो गया। हाँ मौसी जी, सारा काम निपट गया। एक बात है, दो कदम माँ से आगे वो भी ना पता चलन देवी थी। जब तू 2 साल की थी बेटा, तब सारे गांव में पीलिया फैला था, कितने लोगों की जान चली गई और उसमें तेरी माँ भी। मौसी मुझे ही ना हुआ अपनी माँ का प्यार नसीब, वरना हर लड़की अपनी माँ को अपनी सहेली मान अपने मन की बात कह ले। वे पगली मैं हूँ ना। अरे मौसी का मतलब माँ जैसी हो वे। अपनी मन की बात बता क्या है। अच्छा ये बता के है तेरे मन में, ब्याह के बारे में सोच रही के? क्या मौसी मुझे ना पता। जब खुद को मैं तेरी माँ बता रही, बता कैसा पति चाहिए, लंबा पतला मोटा ठिंगना बता।
मौसा जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। तू तो दो दिन के लिए आई थी यहाँ पे, अब तो हो गया यहीं ठहर गई, घर नहीं चलना क्या? के करती, ममता ने जाना दिया। अरे तो इसे भी अपने साथ लिए चल। क्यों ममता, ठीक है ना? राम राम चौधरी साहब। राम राम। राम राम। और सब राजी खुशी? ठीक ठाक है। मैं यूं कह रहा था, मैं ममता को दो चार दिन के लिए अपने साथ लिए जा रहा हूँ, रह आएगी वहाँ। हाँ तो ममता थारी बेटी है, ले जाओ। इब तो वैसे भी इसके पेपर खत्म हो लिए। ठीक है बेटे, अपने कपड़े लत्ते तैयार कर ले और तू भी बांध ले अपना गट्ठर। क्यों मनीष भी अपने कपड़े कहीं फेंक दे, संग वाह नहीं रख सकता। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, पहले तो पैसे लिकाड़ के ले जावे था, सोचो था खाने पीने का हमारा अच्छा लगा था, अब तो पैसे भी ना मांगता, ये दिए ये भी ऐसे पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया। कैसे रुक गई बेटी? कुछ ना मौसी के वो पैर मुड़गा। पैर? पैर मुड़गा? बेटी जल्दी आ रहा, इस गांव में हमारा कुत्ते बहुत हैं, कभी भंबोड़ दें। के मिल गा मारी भैंस कोई तो वहां मिल गई के फंस गया दिखे भैंस ना वो मेरी किताब खो गई थी वहां मिल गई वो हम बता देंगे जब चार दिन पीछे रिजल्ट आएगा। के बात है के मिल गई? अरे वो मिल गई। मिल गई कहां मिल गई? वो कृष्णा चाचा है ना, उसकी अहली आ रही थी, मुझे लगे उनकी रिश्तेदार है। मनीष मैं तो वो करण है, तू तो सही। राजू के कर रहा? देखना चश्मा बनवा ले भाई। अरे तू रे यार, बड़ा क्या बात है भाई? अरे वो लड़की मिल गई यार। क्या? हाँ मिल गई, लेकिन कहाँ? वो अपना कृष्णा चाचा है ना, उसकी साथ आ रही थी अभी। क्या कृष्णा चाचा के साथ? हाँ यार। भैया बच के रहिए, ये तो उल्टा कर दे, कृष्णा चाचा है भी पूरा राज। यार तो हिम्मत बढ़ाने थे तो रहा और हौसले पस्त कर रहा है। यार मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन कृष्णा चाचा के साथ वो हमारे गाँव में, यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार उनकी कोई रिश्तेदार होगी। अरे यार चल जो भी है तू दिखा दे। चल यार तुझे तो दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। भगवान कसम तू देख तू ना पागल हो गया ना तो कह दिए। ओ भाई ऐसा इस गांव में एक ही पागल तो होता है। वो तो कहीं ना दिख रही यार। चुप धरा रहे, यहाँ खाट गिर के बैठेगी वह बीच में, आती जाती दिखाई देगी। टिक 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 वारी। मनीष हाँ। अरे भाई मुझे तो लगा तेरी किस्मत जागे दिखा भाई। हाँ हाँ अरे ओए पूरा सुनिए, तू कहां मरे है यहां? के है जल्दी बता, टाइम ना मेरे धोरे। तू के लेन गया था रे वहां? तू क्या ले, ऐसा है तुम कितनी बकवाद कर लो पर इस महाभारत में मेरी जरूरत भी पड़ेगी।
अरे लेने देने की छोड़, नाम बता, कुछ पता चला तुझे? ममता। मनीष, अरे भाई मुझे तो लगाई हुई पूरा राज है, अपने चक्कर में लगा दिखा है। अरे के करे तुम यहाँ, काम ना कुछ? काम कुछ? अच्छा हम तो अच्छा वो रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिजल्ट के बारे में? क्यों, कहाँ गया था रिजल्ट? गया को के पंख लग रहे हैं उसके, कल मिलेगा। तो कल तक यहीं खड़े रहोगे? अरे राजू तू जा नहीं तो ये न्यू ही करते रहेंगे। न्यू करा कैसी करते रहेंगे, हमें पागल मान रहा? मनीष वो टाइम बाजी का। हाँ हाँ कल मैं 9 बजे, मैं 9 बजे टाइम पे आ जाऊंगा। मैं चल घर चल। करण तू आज खाट ऊपर गिर दे, हैं मच्छर बहुत हो रहे हैं। घनी बकवास मत कर रहा है, यही लगे मच्छर, मच्छर ने ऊपर का स्तर देखा। पिताजी तुम हर बात में टांग मत अड़ाए करो, मैं ऊपर मच्छरदानी लगा लूंगा। देख ले क्या उल्लू वाली बात कर रहा, अरे मच्छरदानी तो यहाँ भी लगा सके। पिताजी ठीक ही तो कह रहा मनीष, सो वही तो है, ऊपर सो जाओ या नीचे सो जाओ उसमें क्या दिक्कत है। मारे से तो जाके तो जोड़ में सो जा, मारा की बिगड़े है। ठीक है मनीष, मैं तेरी खाट ऊपर रख रहा हूँ। पड़ा रहे टाल मार, तुम्हें सोने को खेत खलियान चाहिए, यही पड़ा रहे।